दिल्ली में फिर सीएम वर्सेस एलजी, अब आमने सामने क्यों आए सीएम केजरीवाल और एलजी सक्सेना। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच की खींचतान लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और प्रशासनिक स्तर के फैसले का अधिकार हासिल कर खुश होने के बाद दिल्ली पर लाए गए अध्यादेश के लोकसभा में पास होने से खार खाए बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को निशाने पर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली में हर रोज अपराध की खबरें आ रही हैं। अपराधी बेखौफ हैं, जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। एलजी साहब, वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी डरी हुई है। जनता राजनीति नहीं बल्कि काम चाहती है, सुरक्षा चाहती है। एलजीवी के सक्सेना को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि बदमाशों और बेलगाम अधिकारियों से दिल्ली वाले मुक्ति चाहते हैं। राजनीति करने के बजाय कृपया वो काम करिए जो संविधान ने आपको दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग लड़की की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उस जघन्य वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया था। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों में डर की कमी को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से तंजपूर्ण लहजे वाला ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जारी तकरार करीब करीब अपने चरम पर है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर कानूनी और सियासी खींचतान जारी है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते दिल्ली को क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, ऐसे में दिल्ली पुलिस भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में न होकर केंद्र के नियंत्रण में है। इस तरह से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी उन्हीं के हाथों में है। दिल्ली में हाल में हुई साक्षी हत्या के मामले में राजनीतिक माहौल भी गर्मा उठा था। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए उपराज्यपाल से इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही है। साथ ही उन्हें ये नसीहत भी दी है कि वे अन्य बातों के साथ साथ इस तरह के मुद्दों पर भी ध्यान दें। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के दो शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय जेल में बंद हैं। आपका दावा है कि उनके खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।